चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे फ्लावर के बारे में बताऊंगी जो कि अभी नर्सरी में जाएंगे तो आपको बहुत ही चीप रेट में मिलेगा। मतलब अभी जैसे विंटर का समय अब आने वाला है और विंटर के समय आने से पहले यदि आप इन फ्लावर को लगा लेते हैं तो आपको ये फ्लावर बहुत ही सस्ते में मिल जाएंगे। अभी आप यदि जाते हैं नर्सरी में तो आपको दो दो तीन तीन रुपए, देखिए दोस्तों मैं आप लोगों को ये दिखला रही हूँ, ये फ्लावर ये कितना सुंदर लग रहा है। ये फ्लावर है ड्रैगन फ्रूट का, तो ड्रैगन फ्रूट का फ्लावर इतना सुंदर लगता है जैसे ये सिर्फ फ्लावर ही हो। तो इसे दोस्तों मैंने पिछले साल ही मंगवाया था, ऑनलाइन मैंने मंगवाया था और मैं लगा दी थी, तो लगता है यही समय था, मतलब जुलाई अगस्त का ही समय था। तो मुझे लग रहा है कि जुलाई अगस्त से करीब करीब एक साल हो भी हुआ है और मुझे नहीं विश्वास था कि एक साल में ये प्लांट जो है फ्रूटिंग पर आ जाएगा। देखिए कितना बड़ा सा हो गया है, लेकिन अभी एक साल होते होते इसमें दो दो फ्लावर आ गए। हालांकि दोनों निकले तो साथ में ही थे जुड़वा की तरह, लेकिन एक थोड़ा बड़ा हो गया और एक देखिए कितना छोटू सा रह गया है। लेकिन जो छोटा है वो कितना खूबसूरत सा है, बहुत ही सुंदर फ्लावर है इसके। तो फ्लावर फ्रूटिंग प्लांट पर भी इतने सुंदर सुंदर फ्लावर होते हैं कि लगता है कि वो भी फ्लावर के ही प्लांट है। जैसे ये देखिए चेरी के फ्लावर हैं, ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो जैसा आपने देखा थंबनेल में बिल्कुल सस्ते सस्ते, तो आज मैं आप लोगों को ऐसे फ्लावर प्लांट दिखलाऊंगी जो कि बिल्कुल ही सस्ते मिलते हैं अभी। मतलब इतने सस्ते कि आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। अभी आप नर्सरी जाते हैं तो छोटे छोटे जो उसकी पौध लेते हैं वो सिर्फ आपको 2 रुपये में या फिर 5 रुपये में ही मिल जाएंगे। तो ऐसे कौन कौन से फ्लावर प्लांट हैं जिसे कि आप इतने सस्ते भी ला सकते हैं और एक बार आप ले आते हैं तो फिर सालों साल आपके गार्डन में वो बने रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार आप उन्हें ले आएँ और सस्ते मिल रहे हैं तो कुछ दिनों के बाद ही वो ख़त्म हो जाएंगे या उनकी जो फ्लावरिंग है वो ख़त्म हो जाएगी। इनकी फ्लावरिंग सालों भर बनी रहती है। तो ऐसे ही फ्लावर प्लांट हैं जो सस्ते भी मिलते हैं और साथ ही साथ ये आपके गार्डन में, आप जब भी गार्डन में आएंगे तो हर समय हाथ हिला हिला कर मुस्कुराते हुए आपका स्वागत भी करेंगे। तो आपका मन जो है एकदम बिल्कुल खुश हो जाएगा कि देखो मेरे गार्डन में इतने सारे फ्लावर हैं जो अच्छे लग रहे हैं। तो होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये सस्ते होते हैं तो तुरंत मर जाएंगे, ये साल भर के फ्लावर होते हैं। बस एक बार आप इन्हें घर तो ला करके देखिए, फिर देखिएगा कि ये जो फ्लावर हैं आपके घर को अपना घर समझकर धीरे धीरे चौड़े होते जाएंगे और पूरे गार्डन में फैल जाएंगे। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हो, सबसे पहला जो फ्लावर है वो है ये रेन लिली। देखिए रेन लिली कितने सारे सुंदर कलर हैं, पिंक है, व्हाइट है और येलो है, और ये इतने चीप रेट में मिलते हैं। इसमें आप जाएंगे तो आपको हार्डली, मुझे लगता है कि एक बल्ब आपको 2 रुपये या 5 रुपये या हार्डली आपको 10 रुपये में मिल जाएंगे, मतलब उससे ज़्यादा इसके रेट नहीं होंगे। और ये इतना अच्छा फ्लावर है, मेरे घर में तो लगातार 3 महीने से खिल रहा है। मतलब जून में थोड़ी बारिश हुई तभी से ये खिलना शुरू हो गया और उसके बाद जब जब बारिश होती है तब तब ये पूरे अच्छे से निकल आते हैं और लगातार ये खिलते रहते हैं और खिल करके अपना अटेंडेंस देते रहते हैं कि देखो मैं भी हूँ, मुझे इग्नोर मत करना। और देखिए बाद में इनके बीज भी बनने लगते हैं। तो इसका फायदा ये होता है कि इन सारे फ्लावर्स में बीज भी बनते हैं और उस बीज से मल्टीप्लाई करके आप बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। और दूसरा प्लांट है दोस्तों ये है एक्जोरा। एक्जोरा की भी रेट बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको 40 रुपीज़ में मिल जाएंगे, कहीं 30 रुपीज़ में भी मिल जाएंगे। और इसके इतने सारे कलर हैं कि आप सारे कलर को लगा लेते हैं इस समय, येलो है, व्हाइट है, पिंक है, रेड है, ऑरेंज है, इन सारे कलर को आप यदि एक बार अपने घर में लगा लेते हैं तो हमेशा आपके घर में ये खिलते रहेंगे। मुझे लगता है सिर्फ एकदम जब विंटर बहुत ज़्यादा होता है तब शायद 10-15 दिन के लिए ये डोरमेंट होता है, अदरवाइज लगातार ये खिलता रहता है। उसके बाद नेक्स्ट प्लांट है ये गुलदाउदी, जो कि जाड़ों का विंटर का राजा कहा जाता है, क्योंकि विंटर में इतने ज़्यादा ये खिलते हैं और इन्हें लगाना इतना आसान है कि बस एक इनकी ऊपर की टहनी तोड़िए और आप रेत में लगा दीजिए, देखिए तुरंत इनकी जड़ें निकल आएंगी 2-4-10 दिन में ही। और इतने ज़्यादा खिलते हैं और इतना ज़्यादा फैलते हैं कि इस एक प्लांट को आप यदि लाते हैं 30 रुपीज़ की तो आपको नेक्स्ट ईयर आपके ढेर सारे इसके प्लांट बन जाएंगे। मतलब अभी आप जाएंगे तो आपको बहुत सस्ते मिल जाएंगे। उसके बाद ये देखिए जीनिया। जीनिया भी कमाल का फ्लावर है, हर समय खिलता ही रहता है और अपना इस आपके घर को अपना ही घर समझ लेगा। इसकी मैं एक प्लांट लेकर के आई थी और अब देखिए मेरे घर में इतने सारे हो गए हैं कि मुझे प्लांटर नहीं मिल रहा है कि कहाँ मैं इसे लगाऊं। तो जिस जगह में कई सारे निकले हुए उसे मैंने उसी रूप में छोड़ दिया है। तो अब जब भी आप अपने गार्डन में आइए आपको मुस्कुराते हुए ये मिल जाएंगे और मुस्कुराते हुए मिल जाएंगे तो ये बतला देंगे कि मैं हूँ। और इनकी दूसरी वेरायटी है जो थोड़ी ड्वार्फ वेरायटी है, तो ये भी इसकी भी कीमत आपको मार्केट में मतलब नर्सरी में 20 रुपीज़ या 10 रुपीज़ ही है, इससे ज़्यादा नहीं। मैंने 10 रुपीज़ का लाया था और देखिए ये 20 से इसके नए प्लांट बन गए हैं और नए प्लांटर में जो नए जो प्लांट बने उसमें भी कितने सुंदर फ्लावर निकल रहे हैं। तो ये इतना अच्छा प्लांट है ये
कि एकदम चीप रेट में मिलता है, और अभी जाएंगे तो आपको शुरुआत में तो चीप मिलेगा, बाद में थोड़े से इसके रेट बढ़ जाते हैं। उसके बाद ये पेंटास, पेंटास भी देखिए बिल्कुल तारों की तरह खिलता रहता है साल भर। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी भी महीने में इस प्लांट को सोना नहीं देखी हूँ मैं, हर समय इसमें फूल रहते हैं। इसके भी कई कलर हैं, वाइट है, रेड है, बिल्कुल डार्क पिंक, लाइट पिंक, और इतने भर भर के खिलते हैं कि पूरा गमला आपका भर जाता है। और थोड़ी देर के दिन के बाद देखिएगा पूरा गमला एक पूरा बंच बन गया है। तो ये भी प्लांट बहुत ही हार्डी है, बहुत ही सुंदर है और परमानेंट है, और साथ ही साथ इसके रेट काफ़ी कम है। तो इसे भी आप जरूर ले आए। देखिए छोटे छोटे से प्लांटर में मैंने इसका एक, इसकी एक टहनी तोड़ करके मैंने लगा दी, और कितने सुंदर फ्लावर हो रहे हैं। बहुत जल्दी ये लग जाते हैं, और इनके शायद यहाँ से बीज निकलेंगे या इन्हें आप यहाँ से प्रून कर दीजिएगा तो नए स्टॉक निकल आएंगे। ये देखिए उसके बाद है ये अपराजिता। अपराजिता को प्लांट तो घर के लिए बहुत ही लकी माना जाता है, और इसकी, इसके फूल की चाय बनाते हैं तो हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। और ये भी आपको हार्डली 10 से 15 रुपए या 20 रुपए 30 रुपए में मिल जाएंगे, मतलब इसके रेट कुछ हो सकते हैं 40 रुपए, कई नर्सरी नर्सरी पर वैरी करता है। लेकिन एक बार आप इन्हें लगा देते हैं तो ये सालों भर खिलते हैं एकदम, मतलब बहुत ठंडक होती है तब इनके फूल थोड़े से छोटे हो जाते हैं, लेकिन तब भी ये खिलते रहते हैं। मतलब हर समय जितने फूल मैं बतला रही हूँ ये सारे के सारे फूल सालों भर खिलने वाले हैं। जब भी आप गार्डन में जाएंगे ये हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते आपको दिख जाएंगे, मतलब इनका अटेंडेंस जो है आपके गार्डन में हमेशा हमेशा रहेगा। फिर अलामांडा तो खैर फूलों का राजा है, क्योंकि ये बरसात में तो और भी ज़्यादा खिलता है, गर्मी होती है और भी ज़्यादा खिलता है, केवल विंटर में ये डोरमेंट होता है। जब बहुत तेज विंटर होती है मतलब दिसंबर जनवरी, तो दिसंबर जनवरी ये दो महीने ये डोरमेंट रहता है, उसके अलावा लगातार खिलता रहता है। इसके रेट आपको हो सकता है कि 40 रुपीज़ लगे, 20 से 10 से बढ़ करके 40 लगे, लेकिन आप यदि कटिंग लगा लेते हैं तो कटिंग से तो बहुत इजीली लग जाते हैं, और तुरंत में इनके जड़ें निकल आती है, और उसके बाद इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। बाकी जो मैंने शुरू में बताया वो तो इतने अच्छे प्लांटर प्लांट हैं कि आप लगाएंगे और फूल खिल जाएंगे। और ये देखिए स्थल कमल, स्थल कमल तो दुर्गा जी का फ्लावर है जिसे हम अपने घर में जरूर रखना चाहेंगे, और देखने में भी इतना सुंदर लगता है। देखिए बॉक्स में कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल पिंक कलर का, और ये बहुत अच्छा प्लांट होता है। ये भी मतलब परमानेंट है, वैसे अक्टूबर सितंबर से लेकर के ये दिसंबर तक खिलता है, और फिर मार्च अप्रैल में फिर खिलना शुरू हो जाता है। तो साल में दो बार फ्लावरिंग करता है, और दोनों बार इतनी सुंदर इसकी फ्लावर होते हैं। और उसके बाद ये देखिए ये है हरसिंगार। हरसिंगार तो कृष्ण जी का फूल कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने इसे रुक्मिणी के लिए लाया था स्वर्ग से। तो ये फ्लावर बहुत ही सुंदर है दोस्तों, देखिए इसके कितने सुंदर सुंदर ऑरेंज कलर के इसके डंठल हैं और व्हाइट कलर के इसके फ्लावर हैं। तो विंटर में बहुत सारे होते हैं, इसे भी आप ले सकते हैं। और ये है गेंदा, मात्र 5 रुपए या 10 रुपए में मिलेगा, और यदि बहुत छोटी पौधे इसकी लेना चाहते हैं अभी तो आपको 2 रुपए में मिल जाएगा, बिल्कुल सस्ता। और एक प्लांट आप लगा देते हैं तो इससे जो फ्लावर के सूखे हुए फ्लावर गिरते हैं उससे तो कई सारे प्लांट बन जाएंगे, और इनकी टहनी को लगा देते हैं तो सालों भर खिलते रहेंगे। और ये देसी गेंदा है, इतना मतलब हार्डी प्लांट है कि ये कभी खराब नहीं होता है। और फ्लावर की बात हो, और मैं यदि गुड़हल की बात ना करूँ, हिबिस्कस की बात नहीं करूँ, तो ये बड़ा नाइंसाफी होगा, क्योंकि फूलों का तो राजा है, इतना सुंदर कलर होता है, इतनी अच्छी वेराइटी होती है। हाँ इसकी रेट थोड़ी सी ज़्यादा होती है, यदि आप इनकी देसी वेराइटी लाएंगे तो 20-30 में मिलेंगे, और यदि हाइब्रिड वाले लाएंगे तो आपको 80-100 में मिलेंगे। लेकिन एक बार आप यदि इन्हें ले आते हैं अपने घर में तो फिर समझ जाइए कि आपके घर में फूलों की कमी कभी नहीं होगी, खासकर पूजा में फूल चढ़ाने के लिए, क्योंकि पूजा के लिए बहुत बेस्ट माना जाता है। उसके अलावा हेल्थ के लिए, मतलब ये हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है। और ये देखिए दोस्तों बालसम, बालसम भी बहुत ही अच्छा फ्लावर होता है, और ये तो मुझे लगता है कि 5 रुपए से ज़्यादा इनकी कीमत नहीं होगी, क्योंकि छोटी छोटी पौध मिलती है और लाने के 10 दिन के अंदर इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाते हैं। और एक बार आप यदि अपने घर में लगा देते हैं तो इसके बीज जो होते हैं ये फट करके बिखर जाते हैं, तो जहाँ जहाँ गिरते हैं वहाँ वहाँ फिर नए प्लांट निकल आते हैं। तो इसे भी आप लगा सकते हैं, इसमें भी बहुत सारे कलर होते हैं, प्रिंटेड भी होते हैं, रेड होते हैं, पिंक होते हैं, वाइट होते हैं, मैरून होते हैं, तो ये देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं और बहुत ही हार्डी प्लांट है। तो इसे भी आप लाते हैं, बहुत ही सस्ता मिलता है। इस समय लाएंगे तो एक साथ यदि 10-15 लगा देते हैं तो पूरा आपका गार्डन जो है वो लहलहा उठेगा, मतलब पूरी तरह से फूल से भर जाएगा। और उसके बाद ये मधुमालती, हालांकि मधुमालती की भी जो रेट है मुझे लगता है 30 रुपीज़ है, लेकिन एक बार आप लगा देते हैं तो ये बहुत ही ईजी टू ग्रो है, हार्डी प्लांट है, और इसमें बहुत भीनी भीनी सी खुशबू आती है। सुबह में इसका कलर व्हाइट होता है, दोपहर में पिंक होता है, और शाम होते होते बिल्कुल ये गुलाबी हो जाता है, मतलब शर्मा जाता है, तो इतना खूबसूरत लगता है। तो इसे भी आप लगा सकते हैं, इसकी वाइन वाली वेराइटी होती है,
तो चढ़ जाती है बेल की तरह, और ये जो सिंपल वाली होती है तो उसे भी आप लगा सकते हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में मैंने उन्हीं फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बताया जो कि काफ़ी चीप रेट में मिलते हैं और पूरे परमानेंट होते हैं। और अंत में मैं दिखलाती हूँ अपनी सब्जियाँ। ये देखिए पम्पकिन लगे हैं, कुछ यहाँ पर भिंडी भी लगे हुए हैं, और इस तरह से हम कुछ कुछ सब्जियाँ भी हम लगाते रहते हैं। दो पम्पकिन लगे हुए हैं और कुछ भिंडी लगी हुई है। तो आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।